हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 46वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक लैंप को तीन स्थान से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, किस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे कि एक ही बल्ब को तीन अलग अलग स्थानों से ऑफ और ऑन कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको दो तरीकों से बताने का यहाँ पर डायग्राम बना दिया है कि दो तरीकों से हम आप लोगों को इस कनेक्शन को बताएंगे। एक पहले वाली विधि में हमने जो स्विच इस्तेमाल किया है, दोनों साइड में जो है आप देख सकते हैं, एक ये 2A स्विच है, ये भी 2A स्विच है। बीच वाला जो स्विच है इसको DPDT स्विच बोला जाता है। DPDT स्विच यानी कि डबल पोल डबल थ्रो वाला स्विच। एक ही स्विच के अंदर दो 2A स्विच लगा हुआ है, इस तरीके से ये काम करता है। अब ये 2A स्विच मतलब ये जो DPDT स्विच है जो बीच वाला है वो कैसे काम करता है, यदि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो इसका कनेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कनेक्शन करने के बाद इसकी जो कार्य प्रणाली है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, इसमें ना एक लीवर होता है, मतलब एक डंडी निकली रहती है बाहर की तरफ, उसको आप ऊपर के तरफ कर सकते हैं या फिर नीचे के तरफ कर सकते हैं। यही दो स्थिति इसके अंदर होती है, आप इसको ऊपर कर सकते हैं या फिर नीचे कर सकते हैं। तो जब आप इसको ऊपर के तरफ कीजिएगा तो ये बीच वाला ऊपर वाले से सट जाता है कुछ इस तरीके से। ये वाला इस साइड मतलब अपने वाले साइड पर सटेगा और ये वाला इधर अपने वाले साइड पर सटेगा जब आप इसको ऊपर कीजिएगा तब। लेकिन जैसे ही आप इसके लीवर को नीचे के तरफ करते हैं तो जो ये बीच वाला है ऊपर वाले से इसका कनेक्शन हट करके नीचे के तरफ कुछ इसी तरीके से ऐसे कनेक्शन हो जाएगा। तो यदि आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो समझिए कि इसका कनेक्शन समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से सीखते हैं और इसका कनेक्शन करते हैं। इसके कनेक्शन में क्या किया जाएगा कि ये जो बीच वाला है इस स्विच में कुछ और कनेक्शन करना पड़ता है, अलग से इसके अंदर तार लगाना पड़ता है। अलग से तार का मतलब ये वाला को इस कोने से आप एक छोटे से तार से सोल्डरिंग कर दीजिए, इस तरीके से इसको सटा दीजिए। इस कोने को आप इधर से ऐसे सटा दीजिए। ये जो है कि इसका कनेक्शन मतलब इस स्विच का ये कंप्लीट हो गया, इस ये तैयार हो गया, इस कनेक्शन के अंदर जुड़ने के लिए, कनेक्शन करने के लिए ये तैयार है। अब जो है कि इसमें कनेक्शन करते हैं। देखिए, यहां पर न्यूट्रल सप्लाई दे दीजिएगा, ये न्यूट्रल सप्लाई हमारे बल्ब को पहुंच गया डायरेक्ट। और फेज सप्लाई जो है या तो आप इस स्विच के बीच में इन कर सकते हैं या फिर ये वाले स्विच के बीच में इन कर सकते हैं। तो हमने इधर वाले स्विच के बीच में इन कर दिया। यहाँ से दो तार निकलेगा, एक नीचे से एक ऊपर से। ये दोनों तारों को हम इस स्विच के, अभी इसमें कोई इन दोनों स्विचों में से कोई भी तार इधर के तरफ नहीं जुड़ा है, तो आप स्वतंत्र हैं इन दोनों तारों को या तो ऊपर जोड़ सकते हैं या बीच में जोड़ सकते हैं या फिर नीचे जोड़ सकते हैं। इसमें इन तीनों जगहों में से किसी पर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी जोड़िएगा तो दोनों को या तो ऊपर या तो बीच में या फिर नीचे जोड़िएगा। तो जैसे कि हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं ऊपर के तरफ, तो इसको भी हम ऐसे ऊपर के तरफ जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इस स्विच से जो आउटपुट मतलब यहाँ पर हमने फेज इन कर दिया, यह फेज ऊपर से भी निकल सकता है, नीचे से भी निकल सकता है। और ये जो फेज निकलने वाला है हमने इस स्विच के ऊपर वाले पर जोड़ दिया है। अब इस स्विच के बीच वाले से, नीचे से तो नहीं निकाला जाएगा क्योंकि नीचे से निकालिएगा तो जो तार जो है कि ऊपर जोड़ा गया है सेम सप्लाई जो है कि निकल के बाहर चली जाएगी, यानी कि इस स्विच का कोई वर्क नहीं रह जाएगा। इसी वजह से हम इसके बीच वाले से तार को निकालेंगे, दो तार निकलेगा और ये दोनों तार जो है कि ये वाले स्विच के ऊपर और नीचे के तरफ जोड़ा जाएगा। जैसे कि आप इसको ऊपर जोड़ दीजिए और इसको जो है नीचे जोड़ दीजिए, कोई भी तार ऊपर कोई भी तार नीचे जोड़ना है, बीच में नहीं जोड़ना है। यदि आप बीच में जोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब इसका जो बीच वाला कनेक्शन है इस बल्ब के इस वाले साइड से जुड़ जाएगा। तो यदि आप इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर ये फेज सप्लाई हो गया, यदि आपने इसको ऐसे कनेक्शन कर दिया तो इन तीनों जगहों में से किसी भी जगह से आप इस बल्ब को ऑन कर सकते हैं
हैं और किसी भी जगह से इस बल्ब को ऑफ कर सकते हैं। चलिए इस चीज को हम समझते हैं कि कैसे यह ऑन या ऑफ होगा। देखिए एक साइड पर तो डायरेक्ट यहाँ न्यूट्रल पहुंच रहा है, एक तार से यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई इसके बल्ब के एक साइड पहुंच रहा है, लेकिन जो फेज सप्लाई है वह इस स्विच के मध्य वाले पॉइंट पर पहुंच रहा है और बीच वाले से ही आगे बढ़ करके यहाँ तक पहुंचेगा। यदि यह फेज सप्लाई यहाँ पहुंच जाता है तो बल्ब जल जाएगा और नहीं पहुंचेगा तो नहीं जलेगा। इन तीनों स्विचों में से चलिए हम पहले किसी एक स्थिति में तीनों को कर देते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। मान लेते हैं तीनों स्विच को हम डाउन कर देते हैं, नीचे की स्थिति में कर देंगे, जैसे कि हम इसको ऐसे नीचे कर दिए, बीच वाले को नीचे वाले से जोड़ दिया गया, क्योंकि जब भी इस स्विच की स्थिति को नीचे किया जाता है बीच वाला नीचे वाले से जुड़ जाता है। उसी तरह से इसको हम जब नीचे करेंगे तो बीच वाला ये वाला इससे जुड़ जाएगा और ये वाला जो है कि इससे जुड़ जाएगा, और उसी तरह से इसको जब आप नीचे कीजिएगा तो बीच वाला इससे जुड़ जाएगा। अब आपको यह समझना है कि क्या यहाँ पर फेज पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ से देखिए। इस फेज को हम पकड़ के इस यहाँ बीच में आएंगे, अब ये बीच से ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा नहीं, नीचे हमने इसको कनेक्शन किया है, स्विच को नीचे दबा रखा है, तो बीच वाला जो है नीचे वाले पॉइंट पर आएगा फेज सप्लाई, और यही फेज सप्लाई इस तार के माध्यम से यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ से एक तार जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से अभी फिलहाल इस स्विच को हमने नीचे किया था तो ये बीच वाला इससे सटा है, तो यहाँ से ये सप्लाई यहाँ पर जाएगा और यहाँ से हो करके यह फेज पहुँच गया यहाँ, यानी कि यहीं पर आके अब ये रुक जाएगा, यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसी स्थिति में हमारा बल्ब नहीं जलेगा। अब ये बल्ब नहीं जल रहा है तो हम जो है कि इन तीनों में से किसी भी एक स्विच से बल्ब को जला सकते हैं, जिससे जो है कि मर्जी उससे हम जला सकते हैं। देखिए हम इस बीच वाले से बल्ब को जलाना चाह रहे हैं तो बीच वाले को नीचे जो है उसको ऊपर की स्थिति में कर दिया जाएगा, तो इसको हम ऐसे ऊपर कर देते हैं, इस तरीके से ऊपर कर दिया गया। अब देखिए हमारा जो बल्ब है जल जाना चाहिए, यदि हमने इसको ऊपर कर दिया और बल्ब नहीं जल रहा है क्योंकि पहले बंद था और इसको हमने ऊपर किया बल्ब जलाने के लिए और ऐसी स्थिति में बल्ब नहीं जल रहा है तो कनेक्शन गलत माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। यहाँ से फेज सप्लाई यहाँ आएगा बीच में, बीच से नीचे, नीचे से ये वाले तार से पकड़ के यहाँ पर आएगा, इस वाले से इधर नीचे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इधर कोई कनेक्शन नहीं है तो यहीं तक आके रुक जाएगा। साथ ही साथ ये जो फेज सप्लाई यहां से होता हुआ इस वाले तार से यहां पर आएगा और यहां से होकर के यह जो फेज सप्लाई है आ जाएगा बल्ब के पास, यानी कि बल्ब हमारा जलने लग जाएगा। यदि बल्ब हमारा बीच वाले से जला है तो हम चाहे तो इन दोनों में से किसी एक स्विच से ऑफ कर सकते हैं या फिर इसी बीच वाले से भी ऑफ किया जा सकता है। तो हम इस वाले स्विच से हम चाहते हैं कि ऑफ किया जाए, तो इस वाले स्विच को जो नीचे की स्थिति में है इसको हम अप की स्थिति में करेंगे। ऐसे यदि आप ऐसा कर देते हैं तो बल्ब क्या हो जाना चाहिए, बुझ जाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में बल्ब बंद नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, तो कनेक्शन गलत माना जाएगा। अब देखिए फेज सप्लाई बीच में आ गया, बीच से ऊपर गया, ऊपर से यहां पर आया, यहां से इधर भी आएगा, लेकिन यहां कोई कनेक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं है, यहां से इस वाले पॉइंट पर जाएगा और यहां से होते हुए यहां पर आएगा, जिससे कि हमारे इस लैंप के पास सप्लाई नहीं पहुंचेगी। बल्ब क्या हो जाएगा, लैंप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन तीनों जगहों में से किसी भी स्थान से बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और किसी भी स्थान से बुझा सकते हैं, किसी भी स्थान से जला सकते हैं। इस कनेक्शन को करने के लिए ये जो बीच वाला स्विच है, साइड साइड वाले जो टूवे स्विच है वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो बीच वाला स्विच है आप स्टेबलाइजर का जो पार्ट्स मिलता है उस जगह पर चले जाइएगा और कहिएगा कि हमको DPDT स्विच चाहिए 6 टर्मिनल वाला, तो वो आपको दे देंगे। और आप इस चित्र को देख लीजिए, इस तरीके का ये 6 टर्मिनल वाला स्विच आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मार्केट में जा करके इसको मांगिएगा। आप इसका प्रैक्टिकल घर पर कर सकते हैं यदि आप सुरक्षित तरीके से काम करेंगे तो ये बिल्कुल जो है कि सही इस तरीके से काम करेगा। चलिए हम दूसरे नंबर पर चलते हैं और दूसरे नंबर में भी ये बीच में DPDT स्विच लगा हुआ है, लेकिन यह DPDT स्विच 6 टर्मिनल वाले से अलग है। इसमें 8 टर्मिनल है, 4 ऊपर है, 4 नीचे है। तो जो 4 नीचे है और ऊपर है ये कैसे काम करता है, तो इसमें भी एक डंडी निकला रहता है, वह स्विच का जो लीवर है मतलब डंडी है उसको अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। यदि आप उसको डाउन करते
करते हैं तो यह दोनों इस तरीके से सटता है और यह दोनों ऐसे सट जाता है, मतलब नीचे करने पर बस ऐसे ही दो दो का जोड़ा बन जाता है नीचे के तरफ। यदि आप इसको ऊपर की स्थिति में करते हैं तो नीचे वाला तो बिल्कुल चारों अलग हो जाएंगे, ऊपर वाले ऐसे जो है कि जुड़ जाते हैं, यानी कि ऊपर के तरफ ये दो दो के जोड़े बन जाते हैं। कुछ इसी तरीके से हमारा 8 टर्मिनल वाला DPDT स्विच काम करता है। अब जो है कि इसको हम कनेक्शन करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इसका कनेक्शन होगा और कनेक्शन के बाद यह काम कैसे करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो इस चीज़ के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, इसके लिए हमें इस स्विच में छोटा मोटा कनेक्शन करना पड़ता है। वो कनेक्शन क्या है, इस ऊपर वाले में जो दो बीच वाले हैं और नीचे वाले में जो दो बीच वाले, इन दोनों को, ऊपर वाले दोनों को नीचे वाले दोनों से क्रास में ऐसे जोड़ दिया जाएगा। छोटा छोटा तार लगेगा, सोल्डरिंग करके इनको जोड़ना होता है ताकि यह तार जो है कि किसी भी स्थिति में हिले डुले ना। तो यहाँ पर सोल्डरिंग करके ऊपर वाले को इधर नीचे वाले से क्रास में दोनों को बीच वाले को जोड़ दीजिएगा और जो साइड साइड वाले हैं उनको सीधा सीधा तार के माध्यम से ऐसे जोड़ दीजिएगा। मतलब इस साइड वाला जो बचा है उसको सीधा एक तार से और इधर वाला जो बचा है इधर सीधा वाले तार से जो है कि जोड़ दीजिएगा। अब जो है यह स्विच जो है इस कनेक्शन के लिए तैयार है। अब इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, तो इसमें भी एक तार न्यूट्रल जो है कि जोड़ा जाएगा बल्ब के साथ और जो फेज सप्लाई है उसको हम इस स्विच के बीच वाले में जोड़ेंगे और बीच वाले में जोड़ने के बाद यहाँ से दुगो तार निकलेगा। अब ये दोनों तार इस वाले स्विच में किस जगह पर जोड़ा जाएगा उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए इसमें कोई भी तार इन स्विचों से कुछ जुड़ा नहीं है, आप स्वतंत्र है, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। देखिए, या तो ऊपर जोड़ सकते हैं या फिर नीचे जोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप ऊपर के तरफ जोड़ने जाएंगे तो आपको 4 टर्मिनल दिखेगा लेकिन आपके पास दो ही तार है तो कहाँ पर जोड़ेंगे। तो इन दोनों तारों को हम ऊपर के तरफ यदि ले जा करके जोड़ना चाहते हैं तो इन दोनों तारों को या तो आप इन दोनों बाहर बाहर वाले में जोड़िए या फिर अंदर वाले में जोड़िए। तो हम इसको बाहर वाले में जोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से बाहर वाले में जोड़ सकते हैं। बाहर का मतलब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट में, या फिर आप बाहर वाले में नहीं जोड़ना चाहते तो उन्हीं दोनों को अंदर वाले साइड में भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आपने इस स्विच को इस तरीके से जोड़ दिया है स्विच के तारों को, अब इसमें से दो तार आउट भी होगा। यदि आपने ऊपर के तरफ बाहर वाले से जोड़ा है तो नीचे के तरफ अंदर वाले से दो तार निकलेगा। बाहर वाले से निकालिएगा तो ये स्विच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि जो सप्लाई आएगा वही सप्लाई उधर चला जाएगा, ये स्विच काम नहीं करेगा। इसी वजह से आपने बाहर तार जोड़ा है तो अंदर वाले से दो तार बाहर से, मतलब अंदर से दो तार निकाल करके इस स्विच में जोड़ दीजिए। ये दोनों तार आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऊपर से दिक्कत यह है कि पहले ही से दो तार जुड़ा है और बहुत पास पास टर्मिनल होते हैं, यदि आप उसको जोड़ते हैं शायद कुछ टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाए तो दिक्कतें आएंगी, आपका जो जैसे कनेक्शन काम करने वाला है वैसे नहीं करेगा। इसी वजह से दो तार ऊपर जोड़ दीजिए और दो नीचे जोड़िए, यानी कि दोनों को नीचे वाले बीच में जोड़ना है। अब इन दोनों तारों को ऐसे निकाल करके लाइए, एक तार को इसके नीचे और एक तार को इसके ऊपर, कोई भी एक तार नीचे कोई भी एक तार ऊपर जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि इधर वाला ही ऊपर जुड़ेगा इधर वाला नीचे जुड़ेगा, इन दोनों तारों में से कोई ऊपर नीचे जोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है कि इसका जो बीच वाला तार है इसके हम बल्ब के एक साइड में जोड़ देंगे, ये फेज सप्लाई यहां से पहुंच गया। इस तरीके से यदि आप कनेक्शन कर देंगे तो यह जो बल्ब है इन तीनों जगहों में से किसी भी जगह से ऑन किया जा सकता है, किसी जगह से ऑफ किया जा सकता है। चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं। इसके लिए हम सभी स्विचों को नीचे करते हैं, क्योंकि एक किसी न किसी स्थिति में कीजिएगा तभी आप जो है कि बातों को समझ पाएंगे। या तो ऊपर कर लीजिए तीनों को या फिर नीचे कर लीजिए। हम इन तीनों को नीचे कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये नीचे होगा तो बीच वाला नीचे वाले से सटेगा और ये जब नीचे होगा तो ऐसे, अभी हमने बताया है कि दो दो का जोड़ा बन जाएगा, ये जो है कि इस वाले से सटेगा, ये वाला इससे सटेगा, नीचे करिएगा तब, और यह नीचे करिएगा तो बीच वाला नीचे वाले से सटेगा। अब ऐसी स्थिति में आपको यह देख करके बताना है क्या बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। चलिए देखते हैं, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर जोड़ दीजिए, अब फेज सप्लाई यहाँ पर लाना होता है। तो यदि फेज सप्लाई यहाँ पर आ रहा होगा तो बल्ब जलेगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं जलेगा। चलिए देख लेते हैं कि पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो यहाँ से फेज सप्लाई इसमें बीच में आया, बीच वाले से नीचे आ गया, नीचे से यहाँ पर आ गया, यहाँ से पहुँच गया नीचे, नीचे से अभी ये दोनों आपस में
में सटे हुए हैं, तो यहाँ से इस तार के माध्यम से उधर जाएगा और यहाँ से ऊपर भी जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो कोई विशेष मतलब है नहीं क्योंकि उससे कुछ जुड़ा नहीं है। तो यहाँ से नीचे देखिए आगे बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से बीच में, बीच वाले से यहाँ पर आके ये फेज पहुँच गया इस बल्ब के पास। बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब बल्ब जब जलेगा यानी प्रकाश देने लग जाएगा, तो अब हमें इन तीनों में से किसी एक से बुझाना होगा, क्योंकि हमने कनेक्शन ऐसा किया है और शुरू में आप लोगों को ऐसा बताया है कि तीनों में से किसी भी जगह से आप इसको ऑफ कर सकते हैं और किसी भी जगह से ऑन किया जा सकता है। तो हमने जो है कि इसको जला दिया है, हम किसी भी तीनों में से किसी भी स्थान से इसको ऑफ कर सकते हैं। चलिए हम इस वाले बीच वाले स्विच से ही ऑफ करके देखते हैं। बीच वाले स्विच से ऑफ करने का मतलब है कि इसको जो बीच वाले को नीचे किए थे, मतलब इसका जो लीवर नीचे था, अब इसको अप की स्थिति में कर देंगे। अप की स्थिति का मतलब ऐसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा। अब यदि ऐसा हो गया है तब देखते हैं बल्ब हमारा बुझना चाहिए, क्योंकि पहले तो जल रहा था, इसको हम ऊपर किए हैं जब बल्ब को बुझाने के लिए। यदि बल्ब फिर भी जल रहा होगा, ऐसी स्थिति कर देने के बाद भी जल रहा होगा, तो यह कनेक्शन गलत माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं, इस समय बल्ब हमारा बुझना चाहिए, यानी कि जो ये फेज है ये यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। देखिए ये फेज आ गया बीच में, बीच से आया नीचे, नीचे से पहुँच गया है यहाँ पर, यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यहाँ से इस वाले तार के माध्यम से यहाँ आएगा, बीच में से मतलब यहाँ से क्रॉस होकर के यहाँ पर आ गया, यहाँ से होते हुए इस जगह पर आएगा, यहीं पर आके फेस रुक जाएगा, यानी कि इधर नहीं पहुँच रहा है, यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बल्ब हमने इस बीच वाले स्विच से बंद किया है, हम इस तीसरे वाले स्विच से इसको चालू करना चाह रहे हैं, तो ये जो नीचे के तरफ पॉइंट है इसको हम ऊपर के तरफ कर देते हैं, यानी कि बीच वाले का कनेक्शन हम ऊपर वाले से कर देते हैं। इसको आपको करना नहीं होता है, बटन दबा दीजिए, स्विच को दबा दीजिए, ऊपर कर दीजिए, बीच वाला ऊपर वाले से सट जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये फेज सप्लाई यहाँ से ऊपर पहुँचेगा, ऊपर से इस साइड आएगा, इस साइड से नीचे आ सकता है, तो कोई मतलब नहीं है। ऊपर से इस साइड से इधर आएगा और यहाँ से इससे होते हुए इधर जाएगा और यहाँ से हो करके अभी ये बंद था, लेकिन यहाँ से अब जो है कि इस स्थिति में चालू हो जाएगा, यानी कि हमारा कनेक्शन सही है। इसी तरह से आप किसी भी स्थिति में करके इस स्विच को देख सकते हैं, ये कनेक्शन बना करके। एक बार यह स्विच से मतलब बंद होगा, एक बार जो है कि चालू होगा। किसी भी एक स्विच से आप इस बल्ब को चालू कर सकते हैं, किसी भी स्विच से बंद कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये तीनों जो स्विच है पास पास तो रहेंगे नहीं, तीनों तीन स्थानों पर हो सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार आप इसका कनेक्शन किसी भी जगह पर कर सकते हैं। एक लैंप हो गया, चाहे एक मोटर हो गया, या एक जो है कि कुछ भी चीज़ हो गया, कोई भी वैद्युतिक उपकरण जिसको आप तीन जगहों से आप ऑन करना चाहते हैं, तो यह कनेक्शन कर सकते हैं। ये दो तरीकों से है, एक में 6 टर्मिनल वाला DPDT स्विच लगा है, एक में 8 टर्मिनल वाला लगा हुआ है। इन दोनों में से कोई एक स्विच आपको मिल जाएगा तो आप ये कनेक्शन आसानी से कर पाएंगे और इसका प्रैक्टिकल घर पर भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं से कोई समस्या आ रही है, हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।